एप्पल को फ्रांस में आईफोन के साथ ईयरपॉड्स क्यों देने पड़ रहे हैं, और आज मैं आपको हमारे देश भारत की एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पर चप्पलों को गोबर से बनाया जाता है। और क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा तालाब भी मौजूद है जिसमें से कुछ और नहीं बल्कि बियर की भरी हुई बोटल्स ही निकलती हैं। कैसे मिलेगा सबका जवाब, चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये मालूम होगा कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा दूध फीमेल डोंकी का होता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ये नॉलेज पूरे ही तरीके से गलत है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन चूहिया का दूध दुनिया का सबसे महंगा दूध है, क्योंकि इस दूध की सिर्फ एक लीटर क्वांटिटी को ही 4000 से ज्यादा चूहियों से इकट्ठा किया जाता है। असल में दोस्तों इनके मिल्क में बहुत से ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका की इस्तेमाल बहुत सी मेडिसिंस में किया जाता है। साथ ही साथ इनके मिल्क का इस्तेमाल बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनरी पार्ट्स में एज अ लुब्रिकेंट भी किया जाता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस दूध की सिर्फ एक लीटर की ही कीमत लगभग 17 लाख रुपए के आसपास होती है। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में इंसानी इतिहास में सबसे पहली बार अंटार्कटिका पर बनाए गए एक आइस रनवे पर एक प्लेन को उतारकर इतिहास को रच दिया गया है। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा ऑसम है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक 190 टन के एयरबस A320 को अंटार्कटिका में बनाए गए उसी आइस रनवे पर लैंड होता हुआ दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आज आपने इंसानी इतिहास के एक बेहद ही लाजवाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनता हुआ तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने अभी तक चॉपर्स या फिर एरोप्लेन्स के लिए बनाए जाने वाले ब्लैक बॉक्सेस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी ये चीज सिर्फ इन्हीं तक ही सीमित नहीं रह गई है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन अभी हाल ही में हमारी पृथ्वी के लिए भी एक अमेजिंग से ब्लैक बॉक्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि एक स्कूल बस की शेप में बन रहे इस ब्लैक बॉक्स को इतनी एडवांस स्टील का यूज करते हुए बनाया जाएगा कि इसे चाहकर भी कोई भी इंसान कभी भी तोड़ ही नहीं सकता। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ब्लैक बॉक्स हर दिन क्लाइमेट चेंज और हम इंसानों के द्वारा हासिल की गई सभी उपलब्धियों के सभी डेटा को स्टोर करके रखेगा, ताकि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो आगे आने वाली सिविलाइजेशन को ये मालूम पड़ सके कि उनके पूर्वज कितने ज्यादा एडवांस थे। मतलब अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है ये तो। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों खुद को खत्म कर लेना ऑलमोस्ट सभी देशों में इलीगल माना जाता है, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सर्को कैप्सूल नाम के एक ऐसे चैम्बर को पूरे ही तरीके से लीगल कर दिया है जिसमें कोई भी इंसान अपनी मर्जी से खुद को खत्म कर सकता है। असल में दोस्तों इस चैम्बर के अंदर बैठने के बाद उस शख्स से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिनका आंसर देने के बाद अगर वो फिर भी खुद को खत्म करना चाहता है तो वो एक सिंगल बटन को प्रेस करके ऐसा कर सकता है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों लोग फैशन में कभी कभी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं कि उनके चर्चे ही हर जगह होते रहते हैं, और एक ऐसा ही कारनामा अभी हाल ही में कनाडा की एक नेल आर्टिस्ट लाइजम ने करके दिखाया है। असल में दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपने नेल्स को ही कुछ इस तरीके से एक चाय को छानने वाली छलनी में ही कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि समय समय पर बहुत से ऐसे ट्रेंड्स को भी लोगों के सामने लेकर आती है जिनके बारे में देखना तो छोड़िए बहुत से लोग सोच तक नहीं पाते, और इसीलिए इस कैटेगरी में इनके नाम काफी अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी किया गया है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि कुछ और नहीं बल्कि लोगों से सिर्फ पिटाई खाकर ही महीने के लाखों रुपए कमाता है। मिलिए टर्की के हसन रिजा से, जिन्हें की ह्यूमन पंचिंग बैग ऑफ टर्की के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये टर्की के अभी तक के सबसे पहले ऐसे स्ट्रेस कोच हैं जिन्हें लोग अपने ऑफिस या फिर पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए कुछ इस तरीके से बुलाकर उनको पंच करना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों की इस जॉब के चलते हुए ये हर महीने लगभग 12 से 13 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो अब कौन कौन इंडिया में इस जॉब को करने के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा तालाब भी मौजूद है जिसके अंदर से कुछ और नहीं बल्कि डेली बहुत सी भरी हुई बियर की बोटल्स निकलती हैं। लेकिन आखिर ऐसा
कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों ये गांव हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहां पर अभी तक गांव वालों को लगभग 4000 से भी ज्यादा भरी हुई बियर की बोतल्स मिल चुकी हैं। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी कोई भी डिपार्टमेंट ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इतनी बड़ी क्वांटिटी में भरी हुई बियर की बोतल्स इस तालाब के अंदर कैसे आई। लेकिन ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है, जहां पर यहां के लोकल लोग हर रोज बहुत बड़ी तादाद में भरी हुई बियर की बोतल्स को इस तालाब से निकाल कर उन्हें कंज्यूम करते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक कंपनी या फिर शॉप अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाती है, और उन्हीं रणनीतियों में से एक रणनीति अभी हाल ही में दुबई में खुले आइकिया मॉल ने अपनाई है। असल में दोस्तों आइकिया दुबई का सबसे पहला ऐसा मॉल बन चुका है जो कि विजिट करने वाले हर एक विजिटर की डिस्टेंस डेटा को लेकर ये एनालाइज करता है कि वो शख्स कितनी दूर से उस मॉल में आया है, और जो भी इंसान जितनी ज्यादा दूरी से आकर इस मॉल में विजिट करता है उसे उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में सुपर कॉइंस दिए जाते हैं, जिनका की इस्तेमाल वो इस मॉल में शॉपिंग करते वक्त कर सकते हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि सिर्फ इसी ट्रिक के चलते हुए आइकिया में विजिटर्स की संख्या डे बाई डे इंक्रीज करती हुई चली जा रही है, और वास्तव में इसे कहते हैं एक परफेक्ट मार्केटिंग रणनीति। फैक्ट नंबर 12। क्या होता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर चप्पलों को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गोबर से ही बनाया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ इस तरीके की डोंग स्लीपर्स को बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों इन स्लीपर्स को बनाने वाले रितेश अग्रवाल का यह दावा है कि अगर कोई भी इंसान डेली इन तरीके की स्लीपर्स को पहनता है तो वो कभी भी बीमार पड़ ही नहीं सकता, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन अमेजिंग सी स्लीपर्स की कीमत को 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक रखा गया है। वैसे क्या आप इन तरीके की स्लीपर्स को पहनना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि जो नीलम स्टोन होते हैं जिनको कि हम सफायर के नाम से भी जानते हैं, उनका एवरेज साइज 5 mm से लेकर 8 mm के बीच होता है। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में श्रीलंका के रतनपुरा में कुछ इस तरीके के दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े नीलम के पत्थर की खोज की गई है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस जायंट स्टोन का वेट लगभग 300 किलोग्राम के आसपास है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को अपनी बॉडी, हेयर और यहाँ तक कि बट का इंश्योरेंस कराते हुए भी जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस पूरी दुनिया में लगभग 30,000 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कि अपना इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए करा रखा है कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर उन्हें कोई परजीवी अपहरण करके ले जाता है तो उनके परिवार को उसके एवज में काफी मोटी रकम मिल सके। और इस रिपोर्ट को देख हम ये कह सकते हैं कि या तो ये लोग कुछ ज्यादा ही होशियार हैं या फिर कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि अपनी बॉडी पर पियर्सिंग कराना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही शौक आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से ही सम्मानित करा दे। मिली एलन डेविडसन से, जो कि ब्राजील में रहती हैं, और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे लेकिन एलन ने अपने पूरे ही शरीर पर 6,725 पियर्सिंग को करा रखा है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कैटेगरी में इन्हें एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जैपनीज गवर्नमेंट तेज ड्राइव करने वाले लोगों से हमेशा ही परेशान रहती है, और अपनी इसी परेशानी को खत्म करते हुए जैपनीज गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसी ट्रिक को भी अपनाया गया है जिसे देख आपको भी अजीब जरूर लगेगा। असल में दोस्तों वहां की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी मेन रोड्स पर कुछ इस तरीके की 3D चाइल्ड पेंटिंग्स को बनाकर तैयार किया गया है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये पेंटिंग्स इतनी ज्यादा रियलिस्टिक होती हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो हकीकत का कोई बच्चा बॉल को चेस करता हुआ सड़क पर आ गया हो, एंड एज अ रिजल्ट वहां से गुजरने वाला हर एक ड्राइवर अपने आप ही अपनी कार की स्पीड को कम कर देता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक क्रिकेट मैच के बाद सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले इंसान को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1996 में एक ऐसा वाकया भी हमारे सामने आया जहां पर एक टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था।
लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये मैच था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, जहां पर न्यूजीलैंड ने 158 रन्स को बनाया था। लेकिन इस टीम ने फील्डिंग और बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इन्होंने वेस्ट इंडीज को महज 154 रन्स पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते हुए न्यूजीलैंड के इस अमेजिंग से परफॉर्मेंस को देखते हुए उन सभी 11 के 11 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था और ये चीज अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि रशियन इंजीनियर्स के द्वारा ट्रैफिक में फंसने की समस्या से निजात पाने के लिए साल 2013 में कुछ इस तरीके के शेप टू शेप मोटर व्हीकल्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जो कि ट्रैफिक या फिर स्पीड की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने टायर्स को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अजीब था, प्लस इन तरीके की बाइक्स को बनाने में भी काफी ज्यादा खर्च आ रहा था, तो आगे चलकर इस अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन वैसे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट तो ये लाजवाब दिख ही रहा था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में चाइना की चेंगशा सिटी में बनाए गए मैक्सी लेक ब्रिज को दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज होने के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो अगर ये ब्रिज इतना ज्यादा खूबसूरत है तो इसको दिखाना तो इस चैनल की जिम्मेदारी बनती ही है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको चाइना के उसी मैक्सी लेक ब्रिज की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो दिख रही है, जिसमें आप इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा खूबसूरत लेक ब्रिज को देख सकती हैं। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद कॉम्ब जेलीफिश इकलौती ऐसी फिश है जिसके देहांत के बाद उसके शरीर को कभी भी नहीं देखा जाता। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक फिश का देहांत होने के बाद उसकी बॉडी हमें देखने को ही ना मिले? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक कॉम्ब जेलीफिश जैसे ही अपनी जिंदगी की लास्ट स्टेज पर पहुंचती है, उसी की ही फैमिली में मौजूद छोटी कॉम्ब फिशेस कुछ इस तरीके से उन्हें खाकर कंज्यूम कर लेती हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोसेस के दौरान वो एजिड जेलीफिश ना ही उनसे लड़ती है और ना ही इन जेलीफिशेस से दूर भागने की कोशिश करती है। वो एक तरीके से खुद से ही अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देती है, और वास्तव में ये चीज दिमाग चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें अंधेरे में ड्राइव करना होता है तो हम सबसे पहले अपने व्हीकल्स की हेडलाइट को ऑन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिली ये हेडलाइट बीटल से, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेज़न की डेंस एरिया में ही पाए जाते हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये बीटल्स इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे बीटल्स हैं जिनकी आंखें रात में कुछ इस तरीके से एक हेडलाइट की तरह ग्लो करके इनके आसपास मौजूद चीजों को इन्हें दिखाती हैं। और यही चीज इन बीटल्स को बाकी के बीटल्स की तुलना में कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना देती है। फैक्ट नंबर 2, दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 के टाइटल और ताज को अपने नाम कर लिया है, और इसी के साथ ही दोस्तों सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद हरनाज मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी महिला भी बन गई हैं। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 1, एप्पल को फ्रांस में आईफोन के साथ ईयरपॉड्स क्यों देने पड़ते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जहां एप्पल ने पूरी ही दुनिया में पिछले कई सालों से अपने फोन्स के साथ ईयरपॉड्स को देना बंद कर रखा है, तो वहीं फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर आज भी एप्पल को अपने हर एक नए आईफोन के साथ ईयरपॉड्स देने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों फ्रांस के एक लॉ के अनुसार उनकी कंट्री में मौजूद सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने फोन के साथ हैंड्स फ्री किट देना कंपलसरी है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर हर एक फोन के साथ हैंड फ्री किट को दिया जाएगा तो लोग कॉलिंग या फिर एंटरटेनमेंट के लिए डायरेक्ट फोन को अपने कान पर लगाने की बजाय इन हैंड्स फ्री ईयरपॉड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते हुए उनके नागरिक रेडियो फ्रिक्वेंसी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब एप्पल ने फ्रांस में ईयरपॉड्स को देना बंद कर दिया तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा एप्पल को साफ तौर से ये नोटिस दिया गया कि या तो वो अपने फोन के साथ ईयरपॉड्स को देना शुरू कर दें या फिर वो फ्रांस से अपने बोरिये बिस्तर को समेट लें। एंड एज अ रिजल्ट विश्व की जानी मानी जॉइंट कंपनी को फ्रांस की गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ा, और यही वो रीजन है जिसके चलते हुए ना चाहते हुए भी आज भी एप्पल को अपने हर एक आईफोन के साथ ईयरपॉड्स को फ्रांस में देना पड़ता है। वैसे क्या इस लॉ को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।